एक्सरसाइज 6.3 का अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि कह रहा है साबित करें कि 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 3 इंटू साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो देखिए पहले इसका सॉल्यूशन में LHS ले लेंगे, जो कि है 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 3 इंटू साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3। और देखिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पे भी देखिए साइन थीटा प्लस पाई अपॉन 3 यानी साइन ए प्लस बी के फॉर्म पे ये है, और देखिए साइन ए प्लस बी के फॉर्म पे यानी साइन थीटा प्लस 2 पाई अपॉन 3। तो ये दोनों जगह पे हम ये फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू साइन पाई अपॉन 3 कॉस थीटा प्लस कॉस पाई अपॉन 3 साइन थीटा इंटू साइन 2 पाई अपॉन 3 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 2 पाई अपॉन 3 इंटू साइन थीटा। और देखिए यहाँ पे साइन पाई अपॉन 3 का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2, और कॉस 2 पाई अपॉन 3 का होता है वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2, कॉस पाई अपॉन 3 का होता है 1 अपॉन 2, और साइन 2 पाई अपॉन 3 का होता है रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो हो जाएगा 4 साइन थीटा साइन पाई अपॉन 3 की जगह पे रूट 3 अपॉन 2 लिख देंगे इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस पाई अपॉन 3 की जगह पे 1 बाई 2 लिख देंगे, तो हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन 2 पाई अपॉन 3 की जगह पे लिख देंगे रूट 3 अपॉन 2, और रूट 3 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा और कॉस 2 पाई अपॉन 3 की जगह पे लिख देंगे 1 बाई 2, और फिर लिख देंगे 1 बाई 2 इंटू साइन थीटा। अब उसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू 3 बाई 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4, और 4 और 4 देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि गुना में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बच जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। यहाँ पे साइन थीटा से ये दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। और देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। अब देखिए 3 से ये इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू थीटा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इधर भी है और 3 इधर भी है, यानी 3 साइन थीटा से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन थीटा, और फिर देखिए 3 साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 साइन क्यू थीटा, और ये माइनस साइन क्यू थीटा को इधर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 3 साइन क्यू थीटा और माइनस साइन क्यू थीटा को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। और देखिए साइन 3a इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। तो यहाँ पे देखिए 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए, a के जगह पे थीटा है तो यानी ये साइन 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि RHS है और ये प्रूव होता है।